जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया था तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये रहने वाली है कि अब आप लोग भी अपने प्रोडक्ट को किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर सेल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले कंपोजिशन स्कीम वालों को ये परमिशन नहीं दी गई थी। जीएसटी के सेक्शन नंबर 10 में गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया है। इस अमेंडमेंट के बाद कंपोजिशन स्कीम वाले भी अपने प्रोडक्ट को किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आसानी से सेल कर सकते हैं। हालांकि यहां पर अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही आप सेल कर पाएंगे। जैसे कि कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन यही होता है कि वे अपने प्रोडक्ट को अपने स्टेट से बाहर सेल नहीं कर सकते, और ई कॉमर्स सेलर पे तो सबसे ज्यादा सेल ही आपकी स्टेट से बाहर होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को कंसीडर किया कि जब भी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेल कराता है तो उसकी दो टाइप की सेल होती है, एक तो विद इन स्टेट और एक स्टेट से बाहर। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को सोचते हुए कि अगर कंपोजिशन स्कीम वाले चाहें तो अपनी विद इन स्टेट सेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी के सेक्शन नंबर 10 में अमेंडमेंट किया। अब बात करते हैं कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गलती से ई कॉमर्स सेलर की सेल को आउट ऑफ स्टेट कर देगा तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या सेलर की होगी या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की होगी? तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रहने वाली है अगर होगी, और जिसके तहत उसे सेक्शन 122 में पेनल्टी पे करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था और अब आप अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं, तो क्या गवर्नमेंट का ये डिसीजन आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है या नहीं? आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।